हे दोस्तों, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं, आप देख सकते हैं, जेप ज्यूक बार 3900 की, और एक साउंड बार है 80 वाट सबवूफर के साथ ही आपको देखने को मिलती है। आप इसकी पैकिंग एक बार देख सकते हैं कि किस टाइप की इसकी पैकिंग है। तो चलिए इसको जल्दी से हम अनबॉक्स करते हैं। और अगर बात करी जाए तो इसका ब्रांड एम्बेसडर है जेब्रोनिक्स के ऋतिक रोशन, और आप उनके यहाँ पे सिग्नेचर भी देख सकते हैं। चलिए फटाक से इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए इसको भी खोलते हैं पैकिंग को। आप देख सकते हैं इसका बेहतरीन लुक। ये फटाक से हम इसको बाहर करते हैं। पूरा पैकिंग आप देख सकते हैं, गजब की पैकिंग है। काफी सही दे रखी है इन्होंने, बात करें। और ये रही आपकी साउंड बार। बाकी डब्बा आप देख सकते हो, बस डिजाइन है और कुछ नहीं। डब्बे रख देते हैं हम साइड में, और सबसे पहले दिखाते हैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके। ये देख सकते हो आप, इसकी लंबाई है। तो इसको करते हैं कुछ तो है, इसे अटका पड़ा है। हाँ, इन्होंने इसको बंद कर रखा है। ये लीजिए, ये भी हमारे काम का नहीं, इसको हमने इधर रख दिया। ये आपकी साउंड बार, इसको करते हैं पैक। बहुत सही पैकिंग कर रखी। ये इसकी साउंड बार बात करी जाए, आप देख सकते हैं बहुत क्लियर फिनिश यहाँ पे देखने को मिलती है। और जेब्रोनिक्स का एक प्यारा सा लोगो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ब्रांडिंग जिसको कहते हैं। और बाकी फीचर्स की बात करी जाए तो ये रहे इसके पीछे का, दिखाते हैं आपको। ये HDMI लगाने के लिए, ये एक स्विच है, एक ऑक्स का है। इसको क्या कहते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हमें समझ में नहीं आ रहा इसको क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा। या फिर कहें ये डीसी इन और ये सब आउट का फीच्र। बाकी आप देख सकते हैं जेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग, जो एक बार उसके कोड वगैरह, इनपुट वोल्टेज है DC 24V एंड 3.25 एम्पियर। बस ज़्यादा इसको वोल्ट नहीं लगेंगे, 80 वोल्ट का है। ये देख सकते हो आप आउटपुट पावर, RMS 80 पावर, 40 वोल्ट का ये है ये जो बार है, और 40 वोल्ट का ये है जो बेस सिस्टम दिया गया है साथ में। तो फटाक से इसको अनबॉक्स करते हैं और आपको लगा के दिखाते हैं। देख सकते हैं क्या ही चमक रही है, फुल डिजाइन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसको हम करते हैं साइड में, बाकी दिखाएं आपको। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक रिमोट कंट्रोल, एक बुक मिल रही है यूजर मैनुअल की, साथ में ये वायर मिल रही है कनेक्ट करने के लिए। यहाँ से आप अपने फ़ोन से और यहाँ से इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं ISO सर्टिफाइड है, 9009 2001 एंड 2015 का, तो आप समझ ही गए होंगे। काफ़ी बड़ी ब्रांड है और काफ़ी सही इसकी मार्केटिंग भी है ये स्विच लगाने के। अगर हमें इसको कहीं पे प्लग इन करना है तो, मतलब दीवार वगैरह पे कहीं पे इसको एडजस्ट करना है उसके लिए। बाकी ये चीज़ दे रखी है, बाकी देखते हैं किस चीज़ के लिए। इसको निकाल लेते हैं, ये रिमोट आप देख सकते हैं क्या क्या फीचर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पेयर इनपुट वॉल्यूम बेस बेस का भी मिल रहा है, नाइस। हालांकि हमारे पास जेब्रोनिक्स एंड ही है, उनमें बेस का ऑप्शन नहीं है, उसमें बेस का है, एक अच्छी बात है। बाकी सेल डाल देते हैं, ये रहा करते हैं इसके अनबॉक्सिंग। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा इसका बेस सिस्टम यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो फटाक से इसको भी करते हैं अनबॉक्स। और ये रहा इसका स्पीकर, साथ में हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है। जैसे कि हमने कहा कि इसके ये नट बोल्ट पड़े हुए हैं, अगर हमें इसका सेटअप जो है अगर वॉल के ऊपर करना है तो वॉल माउंट भी इन्होंने दे रखा है। और ये चार्जर है,
और ये दे रखा है वॉल माउंट, जैसा कि हमने कहा कि अगर हमें इसको वॉल वगैरह पे इसको फिट करना है तो उसके लिए इन्होंने साथ में वॉल माउंट भी दे रखा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि वॉल माउंट मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। और ये रही इसका इसके साथ कनेक्ट होने के लिए, जो कि प्लग इन होगा और बाद में इसके साथ कनेक्ट होगा। तो चलिए आपको जल्दी से इसको कनेक्ट करके दिखाते हैं। देख सकते हो आप काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और GVE लिखा हुआ है, जेब्रोनिक्स। ये जेब्रोनिक्स का अडेप्टर नहीं है, ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगी कि जेब्रोनिक्स का खुद का अडेप्टर नहीं मिल रहा उसके बेस सिस्टम के साथ। रियली मतलब बहुत अजीब है। ये GVE का अडेप्टर है, AC/DC अडेप्टर। मॉडल की बात करी जाए तो GM42 और 175 इनपुट आप देख सकते हैं। बाकी आप सब चीज़ें डिटेल यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं। मेड इन चाइना ये अडेप्टर है, जेब्रोनिक्स ब्रांड इंडिया की है, लेकिन अडेप्टर हुआ है वो चाइना का यूज़ हो रहा है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों, और इसका खुद का क्यों नहीं है ये मुझे समझ में नहीं आया। ये चीज़ आपको खास करके ध्यान रखनी पड़ेगी कि अडोप्टर जो है वो इसका खुद का नहीं है, वो बाहर से कि दूसरी कंपनी का है। और बाकी चीज़ चलिए इसको अनबॉक्स कर रहे थे। अनबॉक्स देख सकते हो यहाँ पे, ये आपका प्रीमियम फिनिश, जेब्रोनिक्स का लोगो, और ये आप देख सकते हैं काफ़ी कूल डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिलता है। ये इसका 40 वॉट का स्पीकर, बेस स्पीकर, और पीछे से एक वायर जाती हुई जैसे कि मैंने बताया था। और एक बार इसको करके दिखा देते हैं आपको, ये रही आपकी वायर जो कि इसके साथ कनेक्ट होगी। तो आप देख एक सकते हैं एक बेहतरीन डिज़ाइन जो है वो इस पे दिया गया है। फिनिश की बात करें, और ये इसका स्पीकर 40 वाट का यहाँ से आएगा, और 40 वाट की जो बेस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग बहुत बढ़िया दे रखी है इन्होंने। चलिए फटाक से हम वायर्स को कनेक्ट करते हैं। अगर आपको जानना होगा कि कैसे वायर कनेक्ट करते हैं तो आपको हम जैसे ही कनेक्ट करके इसको प्लग इन करते हैं आपको सारी वायरिंग एक बार दिखा देंगे कि कहाँ पे कौन कौन सा प्लग जो है वो कनेक्ट होता है। चलिए फटाक से मिलते हैं हम। तो इसका पूरा सेटअप हम कर चुके हैं, और बात करें तो आपको बाहर में इस तरफ तो कोई फीचर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप राइट साइड में जाओगे तो यहाँ पर आपको USB का, और यहाँ पर आपको साथ में देखने को मिलता है वॉल्यूम अप डाउन, और जो है आपको साथ ही में यहाँ पे फीचर मिलता है ऑन ऑफ का, एक वॉल्यूम डाउन का, एक ऑन ऑफ का, एक दूसरा मोड चेंज करने का, जैसे कि आप ब्लूटूथ मोड करते हो, ऑक्स केबल करते हो, FM करते हो, वो मोड चेंज करने के लिए लास्ट वाला, बीच वाले प्लस और माइनस के लिए, वॉल्यूम के लिए, और फर्स्ट वाला ऑन करने के लिए, ये फीचर आपको देखने को मिलते हैं। बाकी बात करें जाए तो आपकी जो प्लग वाली वायर है वो आप देख सकते हो आपको यहाँ पे कनेक्ट करनी है DC में, और दूसरी वायर जो आपके बेस सिस्टम से आती है वो आपको सेकंड वाले में कनेक्ट करनी है सब आउट में, और DC यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए। और यहाँ पे आप देखते हैं HDMI, और साथ ही में ये रहा हमारा रिमोट, अभी इसको हम ऑन करते हैं। और जो ये वायर दे रखी है इन्होंने, ये मैं शौक हूँ कि इस वायर को ये प्लग करने के लिए आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पे कोई सिस्टम है और ना ही कहीं और कोई सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है। बात करें इसमें तो इसमें भी हमें इसको प्लग इन करने के लिए कोई सिस्टम नहीं मिल रहा, मतलब अगर हमें इसको फ़ोन से कनेक्ट करना है तो सिर्फ ब्लूटूथ से ही कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी अदर कोई फीचर अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। तो जल्दी से हम इसको प्लग इन करते हैं, ऑन करते हैं, और आपको गाने लगा के दिखाते हैं, ठीक है? तो चलिए अभी डायरेक्ट हम टेस्टिंग पे मिलते हैं। एक बार आप इसका क्लोजर लुक ले लीजिए। तो जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे ब्लूटूथ मोड जो है वो ऑलरेडी ऑन होगा, आपको डायरेक्ट अपने फोन में ब्लूटूथ ऑन करना है और पेयर के ऑप्शन में जाके डिवाइस सर्च करना है। डिवाइस सर्च करने में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पेयर विद जैप जो बार 3900, आपको यहाँ पे करना है असेस, ऑल को असेस करना है। देखिए हम दोबारा से करते हैं, ये आ गया, इसको पेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और पेयर कर देंगे। अब आपका डिवाइस पेयर हो चुका है। चलिए हम आपको छोटी सी डेमो दे देते हैं इसकी क्वालिटी की, साउंड क्वालिटी की। बाकी अगर आपको डेमो देखनी होगी तो आपको एक दो हम वीडियो और डाल देंगे शॉर्ट वीडियो में, आप वहाँ पे इसकी डेमो गाइस देख, गाना हम प्ले करने जा रहे हैं, आप साउंड क्वालिटी सुन लीजिएगा, ज़्यादा देर हम प्ले नहीं करेंगे। तो लेटर यहाँ पे प्ले, वीडियो क्वालिटी इसकी, सॉरी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी सही है। अगर आपको बेस का पता करना है कि बेस कैसी है तो आप हेडफोन लगा के इसको सुन सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि इसकी बेस सही में एक्चुअली में सही है या नहीं है।
चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और आपको इसके रिलेटेड कोई मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसकी 2-3 वीडियो और डालने वाले हैं, जिससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि इस बार को आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हम 2-3 गाने डालेंगे और उसको शॉर्ट वीडियो में डालेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि सही में इसकी क्वालिटी जो है वो खरीदने लायक है या नहीं है। बट अगर हमारी रिपोर्ट के मुताबिक इसको देखा जाए तो हाँ, काफ़ी सही बेस हमें इसका लगा है। तो चलिए आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाएं। धन्यवाद।